हेलो फ्रेंड वेलकम बैक माय ट्यूशन चैनल रोशनी की पाठशाला आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है अगर आप भी सी जी बी एड प्रवेश परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा यह सेशन आज हम सॉल्व करने, करने वाले हैं सी जी बी एड प्रवेश परीक्षा 2018 का जो है क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं ठीक है तो आज का जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं सामान्य मानसिक योग्यता यानी कि जनरल मेंटल एलिजिबिलिटी ठीक है इससे जो है तीस नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीस नंबर के तीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप जो है को यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से वो मैं बताने वाली हूँ ठीक है तो अंत तक जरूर बन ही रहेगा अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए साथ ही बेलाइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ठीक है सेकेंड पार्ट में जो है हम जी और के पोर्शन को जो है हम सॉल्व करेंगे ठीक है सारे जीएस के क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाला है कुछ दोस्त जो है मिठाई की दुकान में गए और उनके द्वारा खाए गए रसगुल्लों की संख्या के बारे में इसमें जो है निम्नलिखित दिया गया है ठीक है उसको जो है हमको कैलकुलेट करना है जिम्मी ने अक्षय से आठ कम खाए दिलीप और राज ने मिलकर सैंतीस खाए हैं और जुगल ने दिलीप से आठ अधिक खाए हैं अक्षय ने दिलीप से पाँच अधिक खाए हैं और अक्षय और जिम्मी ने मिलकर चालीस खाए हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पहला क्या दिया है जिम्मी ने अक्षय से आठ कम खाए तो जिम्मी का हम हमका पता हमको पता है कि उसने जो है जिम्मी ने अक्षय से आठ कम खाए अक्षय को हम एक्स मान सकते हैं तो एक्स माइनस एट लिख सकते हैं एक्स कौन हो जाएगा अक्षय हो जाएगा माइनस एट हो जाएगा जिम्मे ठीक है उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि अक्षय और जिम्मी ने मिलकर चालीस खाए हैं अक्षय और जिम्मी ने मिलकर कितने खाए चालीस तो इक्वल्स टू चालीस लिख सकते हैं अक्षय और जिम्मी ने मिलकर कितने खाए चालीस खाए तो हम क्या करेंगे एक्स को हमको इस केस में अकेले छोड़ना होता है तो इसका मतलब है कि जिम्मी को हम क्या करें सॉरी हाँ जिम्मी को हम क्या करेंगे फोर्टी के सामने रखेंगे यानी कि माइनस एट को हम क्या करेंगे चालीस के, के सामने रखेंगे तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि फोर्टी प्लस एट कितना हो जाएगा फोर्टी प्लस एट फोर्टी एट हो जाएगा फ़ोर्टी एट हो जाएगा ठीक है तो x माइनस सॉरी x इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं फोर्टी एट डिवाइड बाय टू ठीक है डिवाइड बाय टू हम करेंगे तो फोर्टी हमें आंसर आएगा ठीक है अड़चालीस को हम दो से भाग देंगे तो कितना आएगा चौबीस आएगा चौबीस आएगा इसका मतलब है कि x की वैल्यू कितनी है चौबीस है यानि कि अक्षय ने कितने लड्डू खाए हैं चौबीस लड्डू खाए हैं इसको आप नोट डाउन करें ठीक है उसको जो है आपको सॉल्व करने में आसानी होगी ठीक है पहले मैं बता देती हूँ कैसे कैसे हम करें ठीक है यानी कि जिम्मी का हमें पता है अक्षय का नहीं पता है अक्षय को हमने एक्स माना माइनस एट माना जिम्मी को क्योंकि अक्षय ने अक्षय से कम आठ खम, खम खाए हैं जिम्मी ने ठीक है तो उसके बाद से अक्षय और जिम्मी ने मिलकर फोर्टी खाए हैं ठीक है फोर्टी खाए हैं ठीक है थीके? तो हम क्या करेंगे एक्स इक्वल्स टू एक, एक, एक मिनट हाँ x माइनस एट इक्ल्स टू फोर्टी ठीक है हम क्या करेंगे x को इस केस में जो है x को हमको अकेले छोड़ना होता है क्योंकि जो है हम क्या करेंगे माइनस एट को हम सामने लाएंगे फोर्टी के सामने फोर्टी के सामने लाएंगे माइनस एट को तो माइनस एट क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा यानी कि फोर्टी जो है फ़ोर्टी प्लस एट कितने हो जाएंगे फोर्टी प्लस एट हो जाएंगे फोर्टी एट तो एक्स इक्ल्स टू फोर्टी एट डिवाइड बाई टू हम करेंगे तो कितना हो जाएगा डिवाइड बाई टू करेंगे तो चौबीस ठीक है तो हमें जो है एक्स का जो वैल्यू हमें मिल गया कितना चौबीस यानी कि अक्षय ने कितने खाए हैं चौबीस लड्डू खाए हैं ऐसा करती हूँ ये जो है फर्स्ट स्टेप जो है आपको समझ आया होगा उसके बाद हमको निकालना है जिम्मे का ठीक है जिम्मे ने कितने लड्डू खाए होंगे तो हम क्या करेंगे चौबीस से जो है हम क्या करेंगे चौबीस माइनस एट करेंगे क्योंकि चौबीस अक्षय से आठ कम खाए थे जिम्मी ने तो चौबीस माइनस एट करेंगे तो हमें जो है मिलेगा सोलह ठीक है सोलह मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा जिम्मी का वैल्यू हो जाएगा यानी कि जिम्मी ने कितने खाए हैं सोलह लड्डू खाए हैं ठीक है, है. लिखते जाइए किसने कितना लड्डू खाया उसके बाद है सेकंड हम देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अक्षय ने जो है दिलीप से पाँच अधिक खाए हैं दिलीप से पाँच अधिक खाए हैं तो अक्षय ने कितने खाए हैं चौबीस चौबीस में से माइनस करें पाँच तो कितना बचेगा चौबीस में पाँच माइनस पाँच करेंगे तो इक्वल्स टू नाइनटीन बचेगा उन्नीस बचेगा यानी कि दिलीप ने कितने खाए हैं दिलीप का वैल्यू हो जाएगा दिलीप ने कितने खाए हैं दिलीप ने खाए हैं उन्नीस लड्डू सो उन्नीस लड्डू या फिर रसगुल्ला ठीक है रसगुल्ला खाया है और दिलीप ने उन्नीस ठीक है तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं उसके बाद बोल रहा है दिलीप और राज ने 37 मिलकर खाए हैं हमें दिलीप का वैल्यू तो पता चल गया ठीक है दिलीप ने कितने खाए हैं उन्नीस खाए हैं तो सैंतीस माइनस उन्नीस कर सकते हैं हम ठीक है सैंतीस माइनस उन्नीस करेंगे तो कितना बचेगा 18 बचेगा 18 किसका वैल्यू हो जाएगा राज का हो जाएगा ठीक है राज का हो जाएगा तो अभी तक हमें किसका किसका पता चला राज का अठारह अक्षय का चौबीस जिम्मी का सोलह और दिलीप का उन्नीस बात आई है जुगल की जुगल कहाँ पे है यहाँ पे है जुगल ने दिलीप से आठ दिखाए हैं दिलीप से आठ दिखाए दिलीप ने कितने खाए हैं उन्नीस खाए हैं प्लस आठ कर देंगे तो कितना हो जाएगा सत्ताईस हो जाएगा ठीक है तो जुगल ने कितने खाए सत्ताईस खाए जुगल ने ठीक है तो आशा करती हूँ ये समझ आया होगा आसानी से ठीक है तो टोटल हम देखें ठीक है किसने कितना खाया तो राज ने कितना खाया अठारह अक्षय ने कितना खाया चौबीस जिम्मी ने कितना खाया सोलह और दिलीप ने खाए उन्नीस और जुगल ने खाए सत्ताईस ठीक है जुगल ने कितने खाए हैं सत्ताईस खाए हैं तो टोटल हम करते हैं तो कितना हो जाएगा अट्ठारह चौबीस सोलह उन्नीस सत्ताईस तो ये जो हो जाएगा एक सौ चार ठीक है एक सौ चार रसगुल्ले हो गए ठीक है ये आप नोट डाउन ज़रूर करें ठीक है और प्रैक्टिस करिए आपको जो है आसानी आसान लगेगा ये सब चीज़ ठीक है तो उसके बाद तो है हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं की कोशिश करते हैं ठीक है हाँ तो बताइए राज ने कितने रसगुल्ले खाए अभी मैंने बताया राज ने कितने रसगुल्ले खाए अट्ठारह खाए ठीक है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जुगल और दिलीप ने एक साथ कितने रसगुल्ले खाए तो जुगल ने कितने खाए थे सत्ताईस खाए थे और दिलीप ने कितने खाए थे उन्नीस खाए थे तो सत्ताईस और उन्नीस कितना हो जाएगा सत्ताईस और उन्नीस फोर्टी सिक्स हो जाएगा ठीक है फोर्टी सिक्स ठीक है यानी कि इसमें जो है फोर्टी सिक्स नहीं है ऑप्शन फोर्टी एट और थर्टी सिक्स और फोर्टी दिया है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी यदि प्रति रसगुल्ला कीमत दो हो तो उन सब ने कितनी कीमत चुकाई होगी हमने टोटल रसगुल्ले की टोटल रसगुल्ला कितना गिना था एक सौ चार गिना था ठीक है एक सौ चार को हम मल्टीप्लाई कर देंगे दो से तो कितना होगा कितना होगा दो सौ आठ ठीक है दो सौ आठ होगा है ना तो दो सौ आठ होगा तो इसमें ऑप्शन में कहाँ दिया है ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर दिया है ठीक है दो सौ आठ इसका राइट आंसर है नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न चित्र में ए बी सी डी ई एंड एफ में से किन्हीं तीन को सीड्स के रूप में लेकर बने त्रिभुजों की संख्या है तो यहाँ पे जो है इनमें से तीन अल्फाबेट में से किससे मिलकर यानी तीनों को से मिलकर त्रिभुज बना है तो वो कितनी संख्या है जो तीनों से मिलकर त्रिभुज बनाई है ठीक है तो ये हमें काउंट करना है तो देखिएगा ये जो है दो से मिलकर बना है ये भी दो से मिलकर बना है ये भी दो से मिलकर बना है ये भी दो से मिलकर बना है बात आती है त्रिभुज की ये तीन से मिलकर बना है ये तीन से मिलकर बना है इसका मतलब ये दो त्रिभुज है तीन से मिलकर बने हुए हैं सेट्स ठीक है तो इसमें जो है दो ऑप्शन नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट है निम्न चित्र में बने त्रिभुजों की संख्या है तो इसमें जो है ऐसे क्वेश्चन आता है तो त्रिभुज को जो है हमको गिनना है उसके बाद दो से मल्टीप्लाई करना है ठीक है तो यहाँ पे आप गिन सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठ ठीक है आठ त्रिभुज हुए आठ को हम क्या करेंगे दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सोलह आएगा साथ ही एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है आठ हुए आठ को हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सोलह आएगा सोलह सोलह बत्तीस हुआ ठीक है बत्तीस हुआ बत्तीस ऑप्शन में नहीं है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न चित्र के अनुसार सबसे अधिक एवं सबसे कम ऋण बकाया जिन बैंकों के हैं वे क्रमशः हैं तो इसमें जो है आपको प्रश्न अच्छे से आ, पढ़ना है ठीक है कन्फ्यूज़ नहीं होना है सबसे अधिक और सबसे कम हमको देखना है तो सबसे अधिक पहले उसके बाद सबसे कम ठीक है सबसे अधिक किसका है ऋण पकाया आर डी का है उसके बाद सबसे कम है सीबीआई का ठीक है आर डी बी आई सी बी आई किस में है पहले आर डी बी का उसके बाद सीबीआई बी का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए बी सी और जेड यानी कि ऐसा क्वेश्चन आता है जो इनके अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ए बी सी डी के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल कितने हैं छब्बीस हैं यानी कि एक से छब्बीस तक ठीक है और इसमें जो है एक रूल फॉलो होता है जैसे कि यहाँ पे सर्कल यानी कि मेंशन किया गया है सिंबल्स को ठीक है सर्कल रैक्टांगुलर ट्रायंगल और पेंटागोनल सेप को ठीक है सर्कल का मतलब है प्लस रेक्टेंगुलर का मतलब है माइनस और ट्राइंगल का मतलब है गुणा और पेंटागोनल सेप का है भाग ठीक है इसमें जो है जितने भी ऐसे क्वेश्चन आता है जिसमें सारे जो सिंबल होते हैं एक साथ आते हैं उसके लिए एक रूल फॉलो uh, होता है कौन सा रूल होता है आप सभी को किसी किसी को पता होगा किसी किसी को नहीं पता होगा नहीं पता है तो देखिएगा बोर्ड मास जिसको कहा जाता है ठीक है बॉड मास ठीक है ये ऐसा बोर्ड का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन ठीक है ये होता है ठीक है इसका मतलब तो पहले हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करें ठीक है तो ए बी सी डी ई एफ़ तक तो पता होगा आपको कि कितने नंबर तक आता है एफ़ जो है एफ़ को तो आप ऐसे लिखते हैं ठीक है अगर नहीं पता है तो आप ऐसे लिखते हैं तो ऐसे बनाएंगे तो वो जो है छः नंबर हो जाएगा ठीक है यानी कि एफ़ जो है सिक्स नंबर पे बनेगा ऐसे ही आप जो है याद कर सकते हैं ए बी सी डी ये फर्स्ट नंबर पे बी सेकंड नंबर पे सी थर्ड नंबर पे और डी जो है चौथे नंबर पे ई e, जो है पांचवें नंबर पे और एफ़ कौन से नंबर पे सिक्स नंबर पे ठीक है और जी को आप ऐसे बनाते हैं तो यहाँ पे आपको सेवन मिलता है ठीक है जी सेवन जी सेवन जी सेवन जो है आप मीटिंग भी होता है ठीक है जी सेवन मीटिंग से भी आप याद कर सकते हैं जी सेवन ठीक है थीके? उसके बाद है एच एच आप कैसे याद कर सकते हैं एच का जो है ऐसे आप लिखते हैं तो यहाँ से ऐसे जोड़ के ऐसे जोड़ के एट बना सकते हैं ठीक है ऐसे आठ बन सकता है ठीक है एच से तो आठ नंबर पे कौन सा आता है एच आता है ठीक है और एच आई ठीक है यहाँ से जो है नाइन बना सकते हैं और जे जो है जे तो है दस नंबर पे इसको याद करना होगा ठीक है और के की बात आती है के ठीक है पहले तो एक नंबर है ही उसके बाद जो है एक और एक जो है वो टेढ़ा है ठीक है उसको आप ठोक ठोक के सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक बन जाएगा एक एक क्या होता है ग्यारह होता है ऐसे ही आपको याद करनी है ठीक है आप अगर आपको याद रहेगा अल्फ़ाबेट्स के कितने नंबर पे आता है तो आपको जो है आसानी होगी सॉल्व करने में ठीक है तो ए बी सी डी जो है नंबरिंग की गई है ठीक है उसको आपको याद करना है क्वेश्चन जो है डेफ़िनेटली पूछा ही जाता है हर एग्ज़ाम में ठीक है तो इसमें पूछा गया है बोला गया है बी बी कितने नंबर पर आएगा दो नंबर पर आएगा ठीक है टी कितने नंबर पर आएगा टी टी ट्वेंटी आपने क्रिकेट देखा होगा ठीक है टी ट्वेंटी से आप जो है यानी कि टी जो है ट्वेंटी नंबर पे आता है ठीक है दो बीस और जे कितने नंबर पे आता है दस नंबर पे आता है ठीक है मैं अच्छे से लिखती हूँ एक मिनट फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा ठीक है यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी बी कितने नंबर पर बी कितने नंबर पर दो नंबर पर ट्रेंगुलर का मतलब क्या है ट्रेंगुलर का मतलब है गुणा ठीक है उसके बाद है क्या है टी टी का मतलब है ट्वेंटी टी ट्वेंटी ठीक है उसके बाद क्या है टी ट्वेंटी के बाद यानी कि हाँ जे है Being जे का मतलब है यानी कि पेंटागोनल सेप आएगा पेंटागोनल सेप जो है उसका मतलब होता है भाग ठीक है पेंटागोनल सेप का मतलब है भाग उसके बाद आएगा जे जे जो है टेन नंबर पर आएगा सर्कल का मतलब है क्या प्लस ठीक है सर्कल का मतलब प्लस है उसके बाद जो है क्या है एच है ठीक है यानी कि एट आएगा उसके बाद क्या आएगा माइनस के का मतलब है ग्यारह ठीक है ये सब आपको याद करना है अब हम सॉल्व करते हैं इसको अच्छे से लिख के ठीक है इसको आप नोट डाउन करें साथ ही साथ आप भी नोट डाउन करें और जो है सॉल्व करने की कोशिश करें ठीक है इससे आपको आसानी होगी तो पहले हम लिखेंगे दो गुणा बीस भागित दस प्लस आठ माइनस ग्यारह ठीक है तो बोर्ड मास क्या कहता है फ्रेंड देखिए बोडमास जो है पहले लिख लेते हैं बोडमास ठीक है बोड मास हमारे ब्रैकेट ऑफ यानि कि ब्रैकेट तो नहीं दिया है हमारे इक्वेशन पे तो हम क्या करेंगे डिवीजन से स्टार्ट करेंगे ठीक है डिवीजन से स्टार्ट करेंगे इसका मतलब है कि डिवीजन किस में दिया गया है दस और बीस के मध्य ठीक है बीस और मध्य यानी कि दस के मध्य दिया गया है यानी कि दस दूनी बीस यानी कि दो बार में आ रहा है इसका मतलब है कि और यानी कि हमने डिवीजन किया और बाकी सारे जो इक्वेशंस हैं यानी कि ये सब जो है ये सब जैसे का वैसा उतार लेंगे ठीक है यानी कि दो गुणा उसके बाद हमने इसको डिवाइड करा था तो दो आएगा ठीक है उसके बाद क्या आएगा उसके बाद हमको क्या करना है हमको क्या करना है प्लस आठ और माइनस ग्यारह ठीक है माइनस ग्यारह तो उसके बाद हमको क्या करना है फ्रेंड डिविज़न तो हो गया मल्टीप्लिकेशन करना है मल्टीप्लिकेशन दो एकम दो 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 नहीं चार ठीक है उसके बाद जैसे का वैसा उतार देंगे माइनस ग्यारह ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे आठ चार कितना हुआ बारह हुआ ठीक है माइनस हम क्या करेंगे ग्यारह करेंगे ठीक है माइनस बारह में से ग्यारह गया कितना बचा एक बचा ठीक है एक बचा इसका मतलब है कि एक नंबर पे कौन सा आता है कौन सा अल्फाबेट आता है एक नंबर पे ए आता है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार ड्राइवर दिल्ली से अमृतसर के चार अलग रास्ते अलग अलग मार्ग जानता है और अमृतसर से पठानकोट तीन अलग अलग मार्ग जानता है और पठानकोट से जम्मू दो मार्ग जानता है और बताइए दिल्ली से जम्मू तक कितने मार्ग जानता होगा तो देखिएगा यहाँ पे जो है एक ड्राइवर है जो कि क्या करता है वो अमृतसर से यानी कि दिल्ली से अमृतसर ये दिल्ली है अमृतसर के लिए वो चार अलग अलग रास्ते जानता है इसको हम अमृतसर को ए से डिनोट करते हैं ठीक है इसे डिनोट किया हमने तो अमृतसर से और चार अलग अलग रास्ते जानता है अमृतसर से चार अलग अलग मार्ग जानता है दो तीन चार ठीक है सॉरी यानी कि अमृतसर से पठानकोट जो है वो कितना मार्ग जानता है वो तीन मार्ग जानता है ठीक है अमृतसर से पठानकोट एक दो तीन ठीक है पठानकोट दो तीन एक दो तीन एक दो तीन ठीक है ये पठानकोट के लिए रास्ते हैं ठीक है ठीक है ये पठानकोट के लिए रास्ते हैं यानी कि अमृतसर से तीन रास्ते अलग अलग वो जानता है उसके बाद पठानकोट से जम्मू के लिए वो दो मार्ग जानता है दो दो मार्ग जानता है सभी से यानी कि यहाँ पे जो है दो एक हम दो तीन चार दो तीन छः ठीक है ये यहाँ से जो है छः मार्ग हुआ यहाँ से छः मार्ग हुआ यहाँ से छः मार्ग हुआ और यहाँ से छः मार्ग हुआ यानी कि छःम छः छः दिन बारह छः दिन एक अठारह छः चौक चौबीस टोटल कितने रस्ते हुए टोटल रास्ते हुए कितने चौबीस ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है आपको ऐसे ही सॉल्व करना है अगर एग्ज़ाम में ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है तो ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक औरत के पास दस रुपये पचास रुपये और सौ रुपये मूल्य के नोट से कुल जो है चार हज़ार आठ सौ है ठीक है चार हज़ार कितने हैं चार हजार आठ सौ है मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है तो कुल कितने नोट होंगे तो इसमें जो है कितने हैं एक औरत के पास चार हज़ार नोट के चार हज़ार आठ सौ का जो है टोटल जो है कितने कितने नोट हैं दस दस है पचास है और सौ रुपये का नोट है ठीक है तो इसमें आप लिख सकते हैं चार हज़ार आठ सौ कितना दस रुपये पचास रुपये और सौ रुपये ठीक है कि कितने कितने नोट हैं हमको तो नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं दस इक्वल्स टू एक्स पचास इक्वल्स टू एक्स सौ इक्वल्स टू एक्स लिख सकते हैं हम ठीक है लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद हमको कैसे सॉल्व करना है आप जो है नोट डाउन जरूर करें और साथ साथ में कैलकुलेट भी करें ठीक है तो उसके बाद हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं हमको तो नहीं पता है ठीक है तो हम क्या करेंगे दस प्लस पचास प्लस सौ तो इक्वल्स टू तो कितना आ जाएगा चार हज़ार आठ सौ ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे दस और पचास कितना हुआ साठ सौ एक सौ साठ ठीक है एक सौ साठ हुआ ठीक है यानी कि एक्स बराबर एक मिनट एक्स बराबर पचास प्लस दस प्लस सौ ठीक है बराबर कितना हुआ चार हज़ार आठ सौ हम इसको प्लस करेंगे तो एक सौ साठ आएगा यानी कि एक्स बराबर एक सौ साठ उसके बाद हम क्या करेंगे फोर्टी यानि कि फोर्टीन हंड्रेड को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे साठ से ठीक है ठीक है चार हज़ार आठ सौ को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो शून्य शून्य ये कट गया तो बात आती है तो सोलह का बाहर अड़चालीस बार हम पढ़ेंगे तो कितना आएगा तीस आएगा ठीक है तीस का जो है यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स बराबर तीस हो जाएगा ठीक है और हमारे पास नोटों की संख्या कितनी है यानी कि कितने एक्स हैं प्लस एक्स प्लस एक्स ठीक है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इसका मतलब है कि तीस प्लस तीस प्लस तीस ठीक है यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा तीस तीस साठ और तीस कितने हुए कितने हुए नब्बे ठीक है तो नब्बे हुए टोटल तो इसका मतलब है कि कितने नोट हैं नब्बे ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नब्बे यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं नब्बे इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित श्रेणी की गलत अंक ज्ञात करो निम्नलिखित श्रेणी में जो है गलत अंक दिया हुआ है उसको ज्ञात करना है तो इसमें क्या किया गया है देखिएगा अट्ठाईस प्लस चौरासी कितना हो जाएगा एक सौ बारह हो जाएगा और प्लस एक सौ बारह प्लस एक सौ छियानवे कितना हो जाएगा तीन सौ आठ तीन सौ आठ प्लस एक सौ सॉरी पाँच सौ चार कितना हो जाएगा आठ सौ बारह होगा ठीक है आठ सौ बारह होगा न कि आठ सौ बहत्तर तो गलत कौन सा है गलत अंक कौन सा होगा आठ सौ बहत्तर होगा ठीक है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणी में प्रथम ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी तो प्रथम ऋणात्मक संख्या कौन सी हो सकती है देखिएगा इसमें जो है पैंतालीस है प, चालीस है उसके बाद पैंतीस है इसका मतलब है कि पाँच पाँच का माइनस कर दिया गया है ठीक है यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैंतालीस माइनस चालीस उसके बाद आएगा पैंतीस पैंतीस के बाद आएगा तीस उसके बाद आएगा कितना पच्चीस पच्चीस के बाद आएगा बीस बीस के बाद आएगा पंद्रह पंद्रह के बाद आएगा दस उसके बाद आएगा पाँच उसके बाद आएगा माइनस पाँच उसके बाद ज़ीरो ठीक है ज़ीरो आएगा तो इसमें पूछा जा रहा है कि संख्या ऋणात्मक संख्या जो है प्रथम ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी तो कौन सी होगी तो कौन सी यानी कि पद का होगा या कितने नंबर का होगा ठीक है ये हमको देखना है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह नंबर का है यानी शून्य जो है ग्यारह नंबर पे आ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्यारहवा नंबर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेटमेंट वाला है इसमें बोल रहा है कि सवाल की संख्या उत्तर की तरफ मुंह रखकर सैनिकों की एक कतार जो है बैठी है ठीक है जिसमें जो है कुर्सेवा की दाई और आठवां जो है लेम्बर्ट बैठा है और बाएं छोर से मिक्की सोलवा नंबर पे है लेम्बर्ट के सोलह नंबर पे है और लेम्बर्ट जैक्सन के दाई और सोलवा है ठीक है और लैम्बर्ट जो है जैक्सन के दाई और सोलवा नंबर है ठीक है तो जो कतार के दाई और सताइसवाँ है और खुरसेवा मिक्की की अपेक्षा कतार के दाए छोर के पास है और मिक्की और खुरसेवा के बीच पाँच सैनिक है तो वो इसमें जो है हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें जो है क्या करेंगे तो देखिएगा पहले तो हम जो है खुरसेवा को हम एक कतार में बिठा देंगे ठीक है एक कतार में बिठा देंगे यहाँ पे कौन बैठा खुरसेवा ठीक है <coughs> उसके बाद जो है उसके आठवें नंबर पे दाई साइड कौन बैठा है लेम्बर्ड बैठा है एक दो तीन चार पाँच छ सात एक कतार बिठाएंगे जिसमें जो है पहले खुरसुवा बैठेगा उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ आठवें नंबर पे कौन बैठेगा कौन बैठा है लेम्बर्ड बैठा है ठीक है आठवें नंबर पे ठीक है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है लंबर्ट बैठा है आठवें नंबर पे उसके बाद है आप बोल रहा है कि मिकी और खुरसेवा के बीच पांच सैनिक है मिकी और खुरसवा के बीच पांच सैनिक है इधर पे तो आठवें नंबर पे लंबर्ट है तो इधर आएगा मिकी ठीक है एक दो तीन चार पाँच पाँच ठीक है पांच सैनिक बिठा दिए यहाँ पे तो छठा कौन हो जाएगा अपनी मिक्की हो जाएगी ठीक है तो इसमें बोल रहा है मिक्की और खुरसुआ के बीच पांच सैनिक हैं ठीक है थीके? और यहाँ पे बोल रहा है लेम्बर्ट जो है जैक्सन के दाई और है लेम्बर्ट क्या है जैक्सन के दाई और हैंबर्ट यानी कि जैक्सन किधर आएगा इधर आएगा ठीक है जैक्सन के दाई और सोलवा है ठीक है इसका मतलब है एक, एक और ये पाँच छ हुआ छ सात सात और आठ आठ कितना हुआ एक छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ठीक है सोलह नंबर पे क्या हुआ लैम्बर्ट हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कौन बैठेगा जैक्सन बैठेगा ठीक है जैक्सन बैठेगा यहाँ पे तो तो यहाँ पे जो है जैक्सन क्या बोल रहा है यानी कि जैक्सन जो है सताइसवाँ है ठीक है जो कि कतार के दाई और से सताईसवाँ है एक दो तीन चार पाँच यानी कि सत्ताईस नंबर पे जैक्शन होगा एक दो पाँच सात आठ 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 सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस ठीक है यहाँ पे जो है सत्ताईस सत्ताईस नंबर पे जो है जेक्शन है ठीक है जैक्सन है तो इसमें जो है पूछ रहा है कि बताइए जैक्सन और मिक्की के बीच कितने सैनिक हैं तो कितने सैनिक होंगे जैक्सन और मिक्की के बीच एक भी सैनिक नहीं है ठीक है क्योंकि देखिएगा क्या बोल रहा है खुरसुआ के दाएँ और आठवां लेम्बड़ बैठा है ठीक है आठवां लेम्बड को बिठा दिए बाएँ छोर से सोलवा मिक्की न, मिक्की बैठी है यानी कि आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ठीक है यहाँ पे सोलह नंबर पे मिक्की बैठी है ठीक है तो जो कतार के दाई और से लेम्बर्ड जो है जैक्सन के दाई और से सोलह है एक दो यहाँ पे सोलह नंबर पे कौन बैठा है लेम्बर्ट बैठा है जैक्सन के दाई और ठीक है तो जो कि कतार के पूरे कतार के जो है सत्ताईसवें नंबर पे जैक्सन बैठा है खुरसेवा मिक्की की अपेक्षा कतार के दाई और है तो खुरसेवा जो है मिक्की के दाई और है मिक्की और खुरसेवा के बीच पाँच सैनिक है पाँच सैनिक बिठा दिए हम तो बताइए जैक्सन और मखी के बीच कितने सैनिक हैं तो इसमें सैनिक नहीं है क्योंकि इसको जो है क्या लिख सकते हैं हम आंसर क्या देख सकते हैं डाटा अपूर्ण देख सकते हैं ठीक है डाटा अपूर्ण कतार के कुल कितने सैनिक हैं तो कतार के कुल जो है सताइस सैनिक बताए हैं टोटल सताइस सैनिक तो इसमें जो है डाटा अपूर्ण रहेगा नेक्स्ट हम देख लेते हैं जैक्सन के जैक्सन कतार के दाई छोर से कितने कौन सी जगह है तो उसमें जो है उसमें एक आंसर में के क्वेश्चन में ही बोला है कि जैक्सन जो है कतार के सत्ताईसवें नंबर पे है तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सत्ताईसवें नंबर पे होगा जैक्सन नेक्स्ट है यदि राम श्याम के पश्चिम में है और करीम श्याम के उत्तर में है तो राम के सापेक्ष करीम किस दिशा में होगा इसमें जो है आपको दिशा मैंसन करना होगा पहले तो ठीक है पहले जो है पहले उत्तर आएगा ऊपर फिर दक्षिण आएगा पूरब आएगा फिर पश्चिम आएगा ठीक है तो इसमें जो है आप कैसे मेंशन करेंगे तो राम जो है हम कतार बनाते हैं पहले ठीक है राम श्याम के पश्चिम में है तो राम जो है कितना आएगा यानी कि श्याम जो है पूर्व में आएगा उसके बाद जो है पश्चिम में कौन रहेगा राम राम श्याम के पश्चिम में है ठीक है पश्चिम दिशा में और करीम श्याम के उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिशा किधर होगा उत्तर दिशा ऊपर के साइड होगा यानी कि श्याम के सामने साइड ठीक है तो हम क्या करीम को बिठाएंगे इधर ठीक है तो बताइए तो राम के सापेक्ष करीम किस दिशा में होगा तो राम के सापेक्ष जो है यानी कि इधर से अगर देखा जाए एक मिनट इधर से अगर देखा जाए तो इधर जो है करीम किस दिशा में है उत्तर पूर्व दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में है ठीक है कौन करीम तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न चित्र में शीर्ष जो ए मेंशन किया गया है शून्य ए यानी फिर ए ओ, 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 वन वो टू ओ थ्री या फिर सर्कल आप कह सकते हैं तो किन्हीं तीन से बने त्रिभुजों की संख्या हमें हाँ ज्ञात करना है इसमें जो जैसे कि ऊपर में दिया था वैसे ही तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार से बन रहा है ये चार, चार सिंबल से बन रहा है ठीक है तो उसके बाद है ये दो से बन रहा है ये भी दो से बन रहा है ये भी दो से बन रहा है ये भी दो से बन रहा है ठीक है तो इसका मतलब है इसमें जो है कोई तीन से नहीं बन रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न चित्र में विलुप्त संख्या है तो इसमें जो है विलुप्त संख्या क्या है तो देखिएगा पहले हम गिनते हैं कि सोलह दो कितना हुआ सोलह सत्रह अठारह और एक उन्नीस ठीक है उन्नीस हुआ ठीक है और बारह सात कितना हुआ बारह सात या फिर पहले आप इसको गिने पांच दिन कितना हुआ पाँच दिन आठ और आठ और ग्यारह कितना हुआ आठ और ग्यारह आठ और ग्यारह कितना हुआ उन्नीस हुआ ठीक है उन्नीस हुआ और बाकी बारह सात कितना हो जाएगा बारह सात भी उन्नीस हो जाएगा ठीक है तो इसमें जो है आ, ब्लैंक यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आंसर आएगा शून्य ठीक है क्योंकि इसका जो है बैलेंस सेम है नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न चित्र में विलुप्त संख्या है इसमें विलुप्त संख्या क्या होगी पहले हमको गिन के देखना है प्लस करके देख सकते हैं आप माइनस करके देख सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सक करके देख सकते हैं दो सभी में जो है सेम होनी चाहिए या फिर पाँच का घटता क्रम होगा या फिर बढ़ता क्रम होगा कुछ भी जो है आंसर हो सकता है ठीक है तो सेम होना चाहिए इक्वलिटी ठीक है तो पाँच तीन एक शून्य तो हम जो है इसको काउंट कर सकते हैं तो इसका आंसर आएगा नाइन ठीक है और तीन दो तीन छः कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा उसके बाद एक तीन तीन छः और तीन नौ हो जाएगा उसके बाद एक तीन पाँच एक तीन पाँच कितना हो जाएगा एक तीन, तीन पाँच कितना हो जाएगा पाँच तीन कितना होगा आठ और नौ ठीक है नौ हो जाएगा पारे ठीक है यानी कि सभी में जो है इक्वल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य आएगा इस जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह पे निम्न चित्र में विलुप्त संख्या है इसमें विलुप्त संख्या कौन सी होगी यह हमें ज्ञात करना है ठीक है यहाँ पे जो है उन्नीस चौदह नौ उन्नीस चौदह नौ कितना हो जाएगा बयालीस होगा ठीक है उसके बाद है तेरह बारह ग्यारह तेरह बारह ग्यारह कितना हो जाएगा छत्तीस हो जाएगा ठीक है उसके बाद सात तेरह सात तेरह कितना हो जाएगा सात तेरह तो सात तेरह कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा इसका मतलब है कि इसमें जो है छः की बढ़ोतरी कर दी कर दी गई है ठीक है बयालीस में जो है यानि कि घटाया गया है ठीक है छः में जो है यानि बयालीस में छः घटाया तो कितना हुआ छत्तीस हुआ और छत्तीस में हम क्या करेंगे घटाएंगे तो कितना हमें जो है बीस है यहाँ पे तो हमें इक्वल करने के लिए जो है कितना हमको चाहिए कितना चाहिए दस चाहिए संख्या ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे दस आएगा तो ये जो है तीस हो जाएगा यानी कि छ का माइनस कर देंगे तो ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि निम्न चित्र से एक घन बनता है बनाया जाता है तो सतह पांच के विपरीत संख्या है तो इसमें जो है क्या है इसमें एक ट्रिक होता है कि आप आसानी से जो है कैसे कौन सी विपरीत दिशा में कौन सी संख्या ये आप ज्ञात कर सकते हैं तो इसमें जो है कभी भी आप जैसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन देता है तो आप जो है कैसे करना कि दो के विपरीत जो है यानी कि एक बॉक्स छोड़ के दूसरा जो है वो उसके विपरीत होता है तो तीन के विपरीत क्या होगा एक होगा तो उसी प्रकार छः के विपरीत कितना होगा पाँच होगा ठीक है तो छः के विपरीत कितना होगा पाँच होगा यानी कि यहाँ पे बोला है सतह पाँच की विपरीत दिशा में क्या होगा छः होगा ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न चित्र में सतह बी के विपरीत अक्षर है तो बी के विपरीत अक्षर हमें ज्ञात करनी है तो इसमें हम क्या करेंगे जैसे कि ए सी ई e, ठीक है हमको जो है मिला के देखना है एंटी यानी कि क्लॉक वाइज जो है हमको घुमाना है ठीक है ए सी e, ई ठीक है उसके बाद ए इस बॉक्स को हम कर सकते हैं डी ए ई ठीक है और ई e, ई e, यानी कि e, ई e ई जो है सेम इक्वल्स में आ गए ठीक है ई के अपोजिट ई e तो नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे इसको हम कैंसिल कर देंगे ठीक है तो उसके जगह पे हम क्या करेंगे हम दोनों ये दोनों को मिला कर देखेंगे ठीक है यानी कि डी ए e, ई और बी एफ डी ठीक है यहाँ पे बोला जा रहा है ठीक है यहाँ पे देख सकते हैं डी यानी कि बी के अपोजिट भी डी है और ई e के अपोजिट भी डी है ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको भी कैंसिल करेंगे उसके बाद आता है क्या हम क्या करेंगे इन दोनों को मिलाएंगे ठीक है ए सी ई उसके बाद बी एफ डी ठीक है ये जो है सही कॉम्बिनेशन है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है थीके? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बोल रहा है बी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा ए होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो बी एड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ऐसे ही जो है ईजी वे में आपको सॉल्यूशन मिल मिलते रहेंगे और आपको जो है जी के भी क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और ईजी वे में एक्सप्लेशन के साथ आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए साथ ही बेलाइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि एक घन के सतहों को एक विशिष्ट पैटर्न पर निम्न चित्र के जैसे चिन्हित किया जाता है तब चार के विपरीत सतह पर कौन सा होगा तो ऐसे जो है नंबर यानी कि एबीसीडी के जगह पे नंबर दिया जाए तो यहाँ पे जो है एंडी क्लोकवाइ आप घुमाते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ से आता है वहीं से आपको स्टार्ट करनी है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने क्या किया एक को हमने मिलाया इन दोनों को मिलाया फिर इन दोनों को मिलाया फिर उसके बाद इन दोनों से नहीं मिला तो दूसरे को मिलाएंगे उसके बाद फिर जो है इन दोनों से हम मिलाएंगे ठीक है पहले हम जो है क्या करेंगे एक को हम मिलाकर देखेंगे बड़ी संख्या क्या है एक है उसके बाद जो है नौ है उसके बाद पच्चीस है ठीक है उसके बाद है एक सौ इक्कीस उसके बाद है पच्चीस उसके बाद है नौ ठीक है तो इसका मतलब है कि पच्चीस के नीचे जो है वो नौ है अपोजिट में ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बोल रहा है चार के विपरीत ठीक है हमको जो है चार का विपरीत नहीं मिला है ठीक है इसमें जो है चार नहीं है तो इसका मतलब है कि हमको क्या मिलाना है इन दोनों बॉक्स में मिलाना है ठीक है यहाँ पे एक सौ इक्कीस पच्चीस नौ और हम क्या करेंगे एक सौ उनहत्तर एक सौ उनहत्तर चार और फोर्टी नाइन ठीक है फोर्टी नाइन हम करेंगे तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा हमारा चार के विपरीत कौन सा संख्या है कौन सी संख्या है पच्चीस है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पच्चीस नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न श्रेणी में अगली संख्या कौन सी होगी तो निम्न संख्या में जो है अगली संख्या कौन सी होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दो उसके बाद जो है तीन संख्या ली गई है दो तीन चार उसके बाद है चार संख्या ली गई है तीन चार पाँच छः ठीक है नेक्स्ट हमारी संख्या यानी कि चार है तो हम नेक्स्ट कितना लेंगे पाँच लेंगे यानी कि चार पाँच छः सात आठ ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित अनुक्रमों में प्रश्न चिन्ह के अनुसार के स्थान पर जो है निम्न विकल्पों में से क्या आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे ठीक है अल्फ़ाबेट्स के जैसे कि हमको नंबरिंग याद करनी होगी ठीक है तो ठीक वैसे ही आपको नंबरिंग याद करनी होगी यहाँ पे जो है प्लस माइनस दिया रहता है ऐसे जो क्वेश्चन आता है वो इसमें ठीक है तो यहाँ पे क्या किया गया है जैसे कि इस नंबर में देख सकते हैं तो सोलह है ठीक है सोलह में जो है अगर आप प्लस करते हैं दो तो सोलह प्लस दो अट्ठारह हो जाएगा अट्ठारह और उसके बाद जो है यहाँ पे इक्कीस आया है इक्कीस अट्ठारह में आप तीन जोड़ते हैं तो इक्कीस आता है तो इक्कीस में हम तीन जोड़ें तो कितना आएगा इक्कीस आएगा उसके बाद जो है इक्कीस में, में, तो में, तो में हम कितना जोड़ेंगे चार जोड़ेंगे ठीक है इक्कीस में हम चार जोड़ेंगे तो कितना आएगा पच्चीस आएगा और पच्चीस में हम छः जोड़ेंगे तो कितना आएगा तीस आएगा ठीक है यानी कि पच्चीस में हम कितना जोड़ेंगे पांच जोड़ेंगे तो कितना आएगा तीस आएगा ठीक है ठीक उसी प्रकार डी जो है क्या कर रहा है डी में जो है हम क्या करेंगे डी जी कैसे आया क्योंकि इसमें जो है नंबर सिस्टम चलता है इसमें भी ठीक है डी में जो है हम कितने जोड़े ती, तीन जोड़े प्लस तीन करें डी ई एफ जी ठीक है तीन प्लस करें तो जी आया जी में जो है हम कितना प्लस करेंगे उसके तीन प्लस करें उसके बाद हम क्या करेंगे चार प्लस करेंगे जी एच आई जे के यानी कि चार प्लस करें तो के आया उसके बाद हम क्या करेंगे पाँच प्लस करेंगे पाँच प्लस करेंगे तो हमको क्या आएगा के एल एम एन ओ पी पाँच प्लस करेंगे तो पी आएगा पी में हम छः प्लस करते हैं तो कितना आएगा पी क्यू आर एस टी यू वी ठीक है छः प्लस करें हमको तो वी आया ठीक है वी आया उसके बाद सात की हम बात करें साथ में जो है हम Uh, दस कैसे आएगा तीन प्लस करेंगे ठीक है तीन प्लस करेंगे तो दस आएगा और दस में हम चार प्लस करेंगे तो चौदह आएगा चौदह में हम कितना करेंगे पाँच प्लस करेंगे तो उन्नीस आएगा और उन यानी कि पाँच प्लस करने के बाद हम तो क्या करेंगे छः प्लस करेंगे एक एक बढ़ाते जाएंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा उन्नीस में हम पाँच यानी कि छः प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा पच्चीस मिलेगा तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं यानी कि तीस तीस वी ट्वेंटी फाइव कितने आंसर में दिख रहा है कितने ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन है आप देख सकते हैं ऑप्शन जो है कितने में है ऑप्शन बी में है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं निम्नलिखित श्रेणी पूर्ण करो इसमें जो है बी सेड और लास्ट वाला भी दे आप देख सकते हैं बी जेड एच टी और इसमें क्या आ सकता है एच टी ही आ सकता है और बीच में एन 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 लेकिन एक बार हम सॉल्व करके देखते हैं ठीक है देखिएगा इसमें जो है बी कितने नंबर पे आता है बी कितने नंबर पे आता है दो नंबर पे आता है ठीक है बी के बाद कौन कौन से लेटर्स आते हैं सी डी ई एफ जी ठीक है सी e, डी एक दो तीन चार पाँच ठीक है छः छः नंबर पे कौन सा आएगा यानी कि सी डी एक दो तीन चार पाँच छ सात एक दो तीन चार पाँच छ यानि कि छ हम जोड़ते हैं बी में छः जोड़ते हैं ठीक है तो हम हमें क्या मिलेगा एच मिलेगा ठीक है छः जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा एच मिलेगा उसी प्रकार एक दो तीन चार पाँच छ ठीक है हम छः जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा एच में छः जोड़ेंगे तो हमें एन मिलेगा ठीक है और एन में हम छः जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा एक दो तीन चार पाँच छः तो हमें क्या मिलेगा टी मिलेगा ठीक है क्या मिलेगा टी मिलेगा उसके बाद टी में हम छः जोड़ते हैं तो कितना मिले कौन सा लेटर मिलेगा टी में एक यानी कि यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी कि एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है छह जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा जेड मिलेगा ठीक उसी प्रकार जो है उल्टी साइड भी किया गया है ठीक है बी जो है बी में हम छः जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा कौन सा लेटर मिलेगा हमें एच मिलेगा ठीक है तो एच मिलेगा ठीक है तो हमारा आंसर यहीं पे मिल जाता है एच में हम छः जोड़ेंगे तो एन मिलेगा एन में छः जोड़ेंगे तो हमें टी मिलेगा एच टी में छः जोड़ेंगे तो हमें जेड मिलेगा यानी कि स्टार्टिंग से और लास्ट से हमें जो है सेम सिक्वेंस में जो है हमें दिया गया है ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा टी एच हो जाएगा ठीक है आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित श्रेणी में अगला वर्ण कौन सा होगा तो यहाँ पे एक्स जेड वाई एक्स ठीक है उल्टे उल्टे साइड से जेड वाई एक्स डब्ल्यू दिया गया है ठीक है उसके बाद जो है वी और यू आता है ठीक है यू वी आता है ना यू वी को छोड़ के जो है टी अक्षर डाल दिया गया है ठीक है टी एस आर क्यू ये तीनों लेटर दिया गया है उसके बाद जो है कौन सा लेटर आता है अपना क्यू के बाद पी और ओ आता है ओ पी यू यानी कि ओ और पी यू ने पी नहीं दिया है ठीक है यानी कि दो लेटर छोड़ गया है छोड़ दिया उसके बाद एन एम एल के दिया है ठीक है एन एम एल के दिया है तो चार लेटर दिया ठीक है और दो लेटर छोड़ेंगे तो कौन सा लेटर आएगा एच आएगा ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित श्रेणी का अध्ययन करो और इसमें जो है उपरोक्त श्रेणी के बाई और से पंद्रहवें के बाई और कौन सा है ठीक है तो यहाँ पे आप गिन सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ठीक है पंद्रह यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से आप गिन सकते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात ठीक है सातवें नंबर पे कौन सा आ रहा है सातवां नंबर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्न चित्र में विलुप्त संख्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में ही आपको पेयरिंग दिख रही होगी ठीक है पेयरिंग दिख रही होगी छः छः का बीस बीस का और बयालीस बयालीस का ऐसे कैसे पेयरिंग हो सकता है ऐसे नहीं तो एक बार आप थोड़ा सा ठीक है आप समझ सकते हैं यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पे छः छः की पेयरिंग है बीस बीस की पेयरिंग है बयालीस बयालीस की पेयरिंग है और यहाँ पे जो है यहाँ पे बहत्तर की पेयरिंग हो सकती है ना बहत्तर की पेयरिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पे बॉक्स खाली है उसके लिए लेकिन अगर पे अगर बहत्तर नहीं रहता ठीक है बहत्तर इस साइड रहता एक सौ दस यहाँ पर रहता ठीक है एक सौ दस यहाँ पर रहता और यहाँ पर एक बॉक्स खाली रहता तो एक सौ दस इसका राइट आंसर हो जाता ठीक है क्योंकि हम एक्स्ट्रा बॉक्स डाल के हम एक सौ दस नहीं डाल सकते ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बहत्तर होगा ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं यदि जो है त्रिभुज का अर्थ है प्लस यहाँ पे जो है बॉडमास वाला फिर से आ गया ठीक है बॉडमास वाला हमको सॉल्व करना है तो यहाँ पे जो है त्रिभुज का अर्थ है प्लस और चतुर्भुज का अर्थ है माइनस और पेंटागोनल शेप का है गुणा और यहाँ पे जो है भागी है ठीक है तो यहाँ पे बॉडमास रूल जो है आता है ठीक है बॉडमास रूल आता है इसका मतलब है कि यहाँ पे ठीक है यहाँ पे आप हाँ लिख सकते हैं कि तीन गुणा सॉरी तीन त्रिभुज का मतलब है एक मिनट तीन चतुर्भुज का मतलब है माइनस उसके बाद है दो ठीक है उसके बाद है आएगा ठीक है और उसके बाद है एक त्रिभुज का मतलब क्या है त्रिभुज का मतलब है प्लस ठीक है प्लस और उसके बाद आएगा ठीक है यहाँ पे बनाते हैं हम कि तीन माइनस दो उसका मतलब है भागित एक प्लस गुणा दो ठीक है पहले हमने क्या कहा है बोर्ड मास ठीक है मास ठीक है ब्रैकेट तो नहीं दिया है इसका मतलब है कि ब्रैकेट हमको सॉल्व नहीं करना है डिवीजन से सॉल्व करना है तो दो एकम दो आएगा ठीक है दो एकम दो आया तो तीन को हम माइनस यानी कि जैसे का वैसे उतारेंगे दो लिखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे दो का दो लिखेंगे उसके बाद तो, क्या करेंगे प्लस छुणा दो ठीक है उसके बाद हमको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन दो एक ज... कम दो दो यानी कि छः कम दो छक्के बारह ठीक है दो छक्के बारह आया बारह लिखें हम ठीक है प्लस दो माइनस तीन ठीक है यहाँ पे आप प्लस कर सकते हैं या फिर आप घटा सकते हैं पहले ठीक है तो यहाँ पे तीन में से दो गया कितना बचा एक बचा प्लस एक मिनट हाँ तीन में से एक दो गया कितना बचा एक बचा प्लस बारह तो कितना आंसर आएगा बारह प्लस एक ते तेरह इसका आंसर हो जाएगा ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम ठीक है लास्ट क्वेश्चन है यदि चतुर्भुज का अर्थ है सरकारी अस्पताल त्रिभुज का अर्थ है निजी अस्पताल और सर्कल का अर्थ है कॉर्पोरेट अस्पताल ठीक है इनके अंदर की संख्या जो है इनमें प्रतिदिन हज़ार बाहर रोगियों का जो है संख्या दर्शाता है प्रतिदिन जो है अधिकतम रोगियों की संख्या कितनी होगी ये हमें देखना है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुर्भुज संख्या में और यहाँ पे तीन एक तीन तीन छः छः और चार कितना हो जाएगा छः चार छः चार कितना हो जाएगा यहाँ ये चतुर्भुज के अंतर्गत कितने आ रहे हैं तीन तीन छः और चार ठीक है तो दस हुए ठीक है और उसके बाद आ रहे हैं त्रिभुज में तीन तीन छः चार दस और सत्रह ठीक है त्रिभुज के अंतर्गत सत्रह आ रहे हैं और उसके बाद है सात सात चौदह सर्कल के अंतर्गत चौदह आ रहे हैं ठीक है तो सबसे ज़्यादा जो है किसमें है त्रिभुज के अंतर्गत ठीक है तो त्रिभुज जो है कौन सा है सरकारी अस्पताल सॉरी निजी अस्पताल है ठीक है निजी अस्पताल है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुज में त्रिभुज में सबसे अधिक रोगी आते हैं ठीक है तो इसका जो है आज का मानसिक योग्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दिया मैंने कैसे लगा आज का क्लास जो है आप कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और ऐसे ही डेली इंपॉर्टेंट क्लासेस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही बेलाइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट जी के साथ